हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, आज मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर डायग्राम के बारे में आपको बताने वाला हूं कि स्टार डेल्टा की जो पावर ड्राइंग है या पावर डायग्राम है वो सही कौन सा होता है। एक्चुअली मैंने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो में और बहुत जगह नेट पर भी ये देखा है कि वो जो बनाते हैं ना उसमें वो स्टार डेल्टा प्रॉपर नहीं होता। आज मैं आपको प्रैक्टिकली मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आज मैं आपको ड्राइंग बता के बताऊंगा उसकी कि पावर डायग्राम की ड्राइंग सही वाली ड्राइंग कौन सी होती है। ठीक है, उससे पहले हम तीन चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले स्टार डेल्टा क्यों कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार डेल्टा इस स्टार्टर को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो मोटर रनिंग होती है, मोटर स्टार्ट होती है, स्टार्टर का काम है मोटर को स्टार्ट करना सिर्फ, फिर बाद में उसमें चलती रहती है। तो मोटर स्टार्ट जब होती है तो स्टार्टिंग में सबसे पहले वो स्टार कनेक्शन में चलती है, यानी पहले ये सबसे पहले इस तरीके का कनेक्शन बनाता है, जो उसकी बाइंडिंग रहती है उसमें अंदर तीन, तो उसके कनेक्शन स्टार जैसे बनाता है, तो इसलिए इसको स्टार बोलते हैं। फिर कुछ सेकेंड के बाद वो डेल्टा में कनेक्शन यानी इस तरह बना देता है। तो जब स्टार और डेल्टा दो कनेक्शन वो बनाए एक में, तो वो स्टार डेल्टा स्टार्टर कहलाता है। मीन्स मोटर को स्टार्टिंग में कुछ सेकंड के लिए स्टार कनेक्शन में चलाता है और बाद में वो उसको प्रॉपरली डेल्टा में चलाता है, इसीलिए इसको स्टार डेल्टा स्टार्टर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स, अब ये होता है इसे क्यों यूज करते हैं। अगर ये स्टार डेल्टा है तो इसको क्यों यूज करते हैं। फ्रेंड, होता क्या है, कोई भी मोटर, इंडक्शन मोटर जब स्टार्ट होती है तो वो अपने फुल करंट से 3 से 6 गुना करंट स्टार्टिंग में ले लेती है, मिली सेकंड के लिए या सेकंड के लिए, तो वो जल जाएगी अगर इतना ज़्यादा करंट लगी। तो उससे बचने के लिए, यानी उसमें डैमेज से बचने के लिए स्टार्टिंग के समय में उसको स्टार डेल्टा में चलाते हैं, क्योंकि स्टार में मोटर का करंट 3 गुना कम कर देती है। ये कैसे कम कर देती है फ्रेंड, देखो हम क्या करते हैं, 3 फेज कनेक्शन करते हैं, तो 3 फेज में जब हम इसको कनेक्शन देंगे तो हम इसको 440 वोल्ट या 415 वोल्ट जो भी होगा वो यहाँ देंगे। ठीक है, स्टार में जब स्टार में 440 देंगे तो इसमें फ्रेंड ये कनेक्शन जाके ये न्यूट्रल पॉइंट आ गया। आप जानते हो जब तीन बाइंडिंगों का न्यूट्रल यानी स्टार कनेक्शन होता है तो वहां से न्यूट्रल जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये न्यूट्रल जनरेट हो गया। कौन सा जनरेट हो गया, न्यूट्रल। तो हम जो दे रहे हैं यहां 440 दो कॉइल को दे रहे हैं, एक ये और एक ये, लेकिन एक कॉइल को, इस कॉइल को जो वोल्टेज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 220, क्योंकि ये बीच में मिड पॉइंट न्यूट्रल बन गया। ट्रांसफार्मर के स्टार कनेक्शन में भी न्यूट्रल पॉइंट से ही न्यूट्रल निकलता है, यानी जो तीनों का एक जगह जुड़ता है उसी से न्यूट्रल निकलता है। तो ये 220 वोल्ट मिलेगी और 220 वोल्ट मिलेगी तो इसमें जो है वोल्टेज कम हो जाएगी। फ्रेंड, इसको अगर डीपली जाना है तो मैंने एक वीडियो बनाई, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा और इसको आई कार्ड में लगा दूंगा, वहां आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना लेगी, 1/3 करंट, यानी एक कॉइल के हिस्से में तिहाई करंट हो जाएगा, 1/3 करंट ही अपनी फुल करंट का लेगी, यानी जैसे 3 गुना करंट लेना है उसको स्टार्टिंग में, तो 1 गुना करंट लेगी यानी जलने से बच जाएगी, इसीलिए इसको स्टार डेल्टा में चलाते हैं। डेल्टा में फिर नॉर्मली चलती रहती है। कैसे कम होती है वो मैंने बता दिया, इसी तरीके से कम होती है, तो दोनों क्वेश्चन हो गए, क्यों चलाते हैं और करंट कैसे कम होती है, तो यही बात। अब हम बात करेंगे पावर डायग्राम इसका कैसा होता है। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टर में, स्टार डेल्टा के स्टार्टर में जो हार्डवेयर लगा होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले लगा होगा कॉन्टैक्टर, तो कॉन्टैक्टर कितने होते हैं इसमें फ्रेंड, 3 कॉन्टैक्टर होते हैं, 3 में से 2 एक साइज के होंगे और एक कम का होगा थोड़ा सा, या सेम साइज के, जैसे हमने 2 कॉन्टैक्टर 15 एम्पियर के ले लिया और एक 10 एम्पियर का ले लिया, या तीनों 15 एम्पियर के भी हो सकते हैं। तो कॉन्टैक्टर होते हैं 3। ठीक है, दूसरा इसमें होती है रिले, ओवरलोड रिले बोलते हैं जिसे हम, OLR, एक, और एक होता है टाइमर। ठीक है, एक और चौथी चीज होती है MCB या TPN जो भी होगा आपके पास। ठीक है, तो ये एक लगता है, इतने आइटम इसमें हार्डवेयर लगे होते हैं। कैसे कैसे लगते हैं देखिए, जब हम किसी भी इनकमर से 3 फेज सप्लाई लेंगे, सबसे पहले 3 फेज आएंगे, तो ये तो आप जानते हैं 3 फेज लिए जाएंगे, 3 फेज के बाद सबसे पहले लगी होती है फ्रेंड MCB। ठीक है, MCB का सिंबल ये है, तो इसी प्रकार से हम MCB लगाएंगे। अब मैंने अक्सर क्या देखा है कि MCB के बाद ही जितनी भी ड्राइंग ज़्यादातर दी जाती है उनमें ओवरलोड रिले लगा दी जाती है यहाँ, लेकिन फ्रेंड जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो ओवरलोड रिले हमेशा मेन कॉन्टैक्टर के नीचे लगी हुई होती है। कहाँ लगी हुई होती है, मेन कॉन्टैक्टर के नीचे, तो हम यहाँ पहले लगाएंगे मेन कॉन्टैक्टर। ठीक है फ्रेंड, ये मेन कॉन्टैक्टर लगा दिया, यह है KM1 दिख सकते हैं या मेन कॉन्टैक्टर,
ठीक है, मैं इसको KM लिख देता हूं। अब ये मेन कॉन्ट्रैक्टर लगने के बाद इसके नीचे लगी होती है फ्रेंड रिले, क्या होती है रिले। तो रिले का सिंबल कैसा होता है मैं बताता हूं आपको, इस तरीके से रिले का सिंबल लगा होता है क्योंकि रिले NC में काम करती है। तो ये फ्रेंड लग गई रिले, ठीक है। अब मेन कॉन्ट्रैक्टर लग गया, ऊपर रिले लग गई, सॉरी ये रिले लग गई, ये क्या है OLR ओवरलोड रिले, ये लग गया KM1 या आप इसको कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हो, मेन कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद इसके बाद जो अब ये वायर जाएंगे तो ये जाएंगे मोटर में, किसमें मोटर में। तो यहां से ठीक है, तो अब फ्रेंड आप देखिए ये यहां से चला, ये है R, ये है Y और ये है B। तो यहां भी चेंज नहीं हुआ, ये भी यहां भी R है, ये Y है और ये B है, और यहां भी चेंज नहीं हुआ, यहां भी अगर मैं बात करूं तो ये R है, ये Y है और ये B है, ठीक है। अब मोटर में जो स्टार डेल्टा में मोटर के कनेक्शन होते हैं उसमें से 6 लीड निकली हुई होती हैं। तो 6 लीड निकले का मतलब होता है इसमें 3 क्वाइल होती हैं, तो दूसरी लीड यहां निकल जाएगी। इसी तरीके से फ्रेंड इनके कनेक्शन अलग अलग होते हैं लेकिन लीड 3 होती हैं, ये 3 वाइंडिंग है इसके अंदर, ठीक है। तो 3 सिरे ये निकल जाए, अब आप इसको बोल सकते हो U1, इसको U2, इसको V1, इसको V2, इसको W1 और इसको W2 बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इन पे लिखा रहता है, अगर मिट जाता है लिखा हुआ तो हम इसको मल्टीमीटर से ये कंटिन्यूटी चेक करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब ये तो फ्रेंड स्टार्टर DUL स्टार्टर की तरह मेन स्टार्टर लग गया, ठीक है। और आप ये गलती ना करें कि इसको ऊपर ना लगाएं, ये मोस्ट प्रोबेबली जब जितना भी प्रैक्टिकली आप जहां भी स्टार्टर देखोगे नीचे ही लगी होती है मेन कॉन्ट्रैक्टर के। अब होता क्या है फ्रेंड, एक कॉन्ट्रैक्टर इसमें और लगता है जो किसमें काम करता है, ये सबसे पहले जो लगा होता है, अब जो कॉन्ट्रैक्टर लगेगा ये लगा होता है डेल्टा का, कौन सा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर। तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। अब डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में होता क्या है फ्रेंड, देखिए अक्सर मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें हम गलती करते हैं या क्या गलती इसमें होती है, मैं पहले बना देता हूं, बनाने के बाद आपको समझाऊंगा। तो यहां से मैंने R उठाया, ठीक है, ये R यहां दे दिया, ठीक है। यहां से मैंने Y उठाया और ये Y मैंने यहां दे दिया। अब यहां से मैंने B उठाया और ये लास्ट में ले जाके यहां दे दिया, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड। तो ये R, Y और B, यानी R इसमें सेम यहां आ गया, यहां Y आ गया और यहां B आ गया। तो R, Y, B ये तीनों सेम आ गए। तो फ्रेंड देखिए अब इसमें क्या है, यहां से जब R, Y, B तीन कॉन्टैक्ट आ गए तो ये जो कॉन्टैक्ट मिलाएगा यहां से ही दूसरा उठेगा नीचे को ये, तो अब ये सेम R, Y, B है। तो होता क्या है फ्रेंड, यहां से हम क्या करते हैं, जैसे ये लीड रहती हैं तो हम स्टार्टर, तो अभी आप इतना भूल जाइए, अभी मैं इसका एक कॉन्ट्रैक्टर और बना देता हूं जो स्टार वाला होता है, ठीक है। स्टार कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा छोटा होता है तो इसलिए मैं छोटा ही बना देता हूं। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, स्टार वाला, और ये कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, डेल्टा वाला, यानी ये मेन कॉन्ट्रैक्टर, ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर, ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर। तो इसमें स्टार में जो कनेक्शन जाते हैं फ्रेंड वो नीचे से जाते हैं, कहां से, यहां से उठेंगे इस तरीके से। तो इसमें देखिए अब ये R है तो R उठ के जो है पहले वाले पे चला जाएगा, Y उठ के दूसरे वाले पे चला जाएगा और B उठ के तीसरे वाले पे चला जाएगा, ठीक है। तीनों वायर आ गए, R, Y, B, और ये तीनों नीचे निकल जाएंगे, ये मोटर को चले जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है फ्रेंड, इसमें फिर ऊपर से इन तीनों को शॉर्ट कर दिया जाता है इस तरीके से, ये फ्रेंड शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा आपस में, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, तो ये हो जाएंगे शॉर्ट। अब देखिए अभी मैंने नीचे के कनेक्शन नहीं किए हैं फ्रेंड, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ये MCB लगा दी, ठीक है। MCB के बाद मेन कॉन्ट्रैक्टर KM1, ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर और ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, तीनों लगा दिए और चौथी लगा दी रिले। अब इसमें फ्रेंड
जो मैंने एक लिखा टाइमर, तो टाइमर यहां नहीं लगता है, टाइमर कंट्रोल वायरिंग में लगता है, सिंगल फेज की एक एमसीबी और टाइमर वो उसी में लगते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जब हम मोटर के कनेक्शन करते हैं तो फ्रेंड होता क्या है कि अक्सर यहां पे U1, B1, W1, U2, V2, W2 लगता है। तो ये छह वायर निकले होते हैं और ये छह मतलब तीन कलर के इस साइड, जैसे ये रेड ब्लू, रेड येलो और ब्लू, और ये भी रेड येलो और ब्लू, इस तरीके से निकले हुए होते हैं। मान लीजिए कि जैसे W1 वाला वायर ये रेड है, ये रेड कलर का है, तो इधर भी तो रेड ही जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये भी लाल वायर है, इधर भी लाल वायर है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हमने इसमें लाल जोड़ दिया और यहां से भी हम लाल वाला जो है पहले उठा के जोड़ देते हैं। किसमें जोड़ देते हैं, आर वाले में ही हम यहां जोड़ देते हैं, वो हमसे मिस्टेक होती है, हम उसको बना नहीं पाते। तो वही गलती बार बार ना हो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम इसमें एक चीज और करते हैं। ये जो स्टार डेल्टा है, मैं इसको स्टार तो मानता हूं लेकिन डेल्टा नहीं मानता। कैसे, अब आप बोलोगे कैसे, देखिए यहां आर, यहां भी आर, यहां वाई, यहां वाई, यहां बी, यहां बी, तो फ्रेंड इसमें तो तीनों फेज सीधे ऐसे ही निकल रहे हैं, तीनों फेज सीधे ऐसे ही निकल रहे हैं, तो डेल्टा बनेगा कहां। डेल्टा बनाने के लिए मुझे मोटर के कनेक्शन चेंज करने पड़ेंगे, मीन्स मुझे मोटर की जो क्वाइल है उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा मैं कौन से में जोड़ूं। तो मुझे ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए कि मैं कौन सा वायर कौन से में जोड़ूं, तो उसको दूर करने के लिए मुझे स्टार्टर ही डेल्टा में बनाना पड़ेगा। तो ये जो मैं कनेक्शन करता हूं ये गलत होते हैं, ये फ्रेंड मैं इसको कहूंगा कि ये एक तरह से गलत है, ये ऐसे मत बनाइए। कभी भी स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए इस तरीके से वायरिंग मत कीजिए। अगर इस तरीके से वायरिंग करते हैं तो मोटर में जो छह लीड उसमें कलर लगे रहते हैं, जैसे दो लीड आर लाल होंगी, दो उसमें येलो होंगी, दो उसमें ब्लू होंगी, तो जो उसकी लीड होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम आर वाई बी कलर के अकॉर्डिंग जोड़ देते हैं। जैसे होता क्या है, देखिए बाद में इनके कनेक्शन एक स्ट्रिप पाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहां होता क्या है, ये मेन के हैं और ये इसके, इन दोनों के कॉन्ट्रेक्टर के ही आते हैं, डेल्टा तो स्टार तो वहीं से जुड़ा रहता है, तो ये छह लीड यहां आती है। तो हम मोटर में क्या करते हैं, यहां सबसे पहले रेड जोड़ दिया, वाई जोड़ दिया, बी जोड़ दिया पहली कॉइल का, फिर रेड जोड़ दिया, वाई जोड़ दिया, बी जोड़ दिया, इस तरीके से हम कनेक्शन कर देते हैं हमेशा। जब हम इस तरीके से इसमें कनेक्शन करेंगे यहां पे, तो ये आर वाई बी और ये भी आर वाई बी, तो क्या क्वाइल है, जो पहली क्वाइल है, यानी जो पहली क्वाइल है ये वाली क्वाइल, ये लाल पे, ये भी लाल पे, दूसरी वाली जो क्वाइल है वो वाई पे, और तीसरी वाली जो क्वाइल है वो बी पे, इस तरीके से जुड़ जाती हैं, और ये गलत है। तो हम इसमें क्या करें, इस चीज को दूर करने के लिए कि मोटर में जो कलर कोडिंग रहती है उससे हमें डेल्टा ना बनाना पड़े, डेल्टा हमारा वैसे ही बन जाए, इजीली किसी को भी बोल दे तो वो कनेक्शन कर ले, तो उसके लिए हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, ये वाली। तो ये सही कैसे है मैं बताता हूं फ्रेंड, ये देखिए ये क्या है, जो आर वाला आप उठाइए, आर वाला डाल दे दूसरे वाले पे, वाई पे, यहां पे दूसरे पे डालिए, और जो वाई उठाइए वो डालिए तीसरे पे, ठीक है, और जो बी उठाएं उसको डालें पहले। अब ये डेल्टा में कनेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मींस होगा क्या, जब आप मोटर के कनेक्शन स्ट्रिप से करेंगे, यानी अब ये कनेक्शन क्या है ऑलरेडी है, देखिए यहां से रेड वाला ये है, रेड वाला वायर ये है, तो ये रेड वाला वायर डायरेक्टली इसमें जोड़ दीजिए, ऐसा ही होगा। ये येलो है, ये बीच, ये वाला भी येलो होगा, बीच वाला भी, तो इसको उठा के बीच वाले में जोड़ दीजिए। तो अब देखिए बी वाला उठा के तीसरे वाले में चला जाएगा। तो हमें इस जगह ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोटर पे कि कौन सा कनेक्शन किस में होना है, हम कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इजीली जोड़ सकते हैं। मींस करेंगे क्या, मैं आपको एक तरीके से और समझा देता हूं फ्रेंड, देखिए मैं आपको एक तरीके से और थोड़ा समझा देता हूं इस मोटर को बैठा के। तो आप देखिए ये आर वाई बी है, लेकिन यहां जो देखेंगे फ्रेंड, यहां अब क्या है, आर जो है दूसरे पे है, कौन से पे है, इस पे, ये आर फेज जो है दूसरे पे है, ये वाई है और ये बी है, ठीक है। तो अब मोटर जब जुड़ती है तो होता क्या है फ्रेंड, ये कनेक्टर रहता है ना, तो हम अक्सर जो कनेक्शन कर रहे हैं वो कनेक्टर में ही करते हैं, ना कि उस पर कॉन्ट्रेक्टर के नीचे ले जाके। तो जब ये इस तरीके से हम कनेक्शन करेंगे, तो देखिए ये तीनों आके यहां जुड़ेंगे फ्रेंड, ये यहां जुड़ेंगे, ये यहां जुड़ेंगे, ये कनेक्टर है, ठीक है, मैंने मान लिया ये कनेक्टर है, और ये तीनों भी कनेक्टर में आके इस तरीके से हो गए। तो
अब हम जो कनेक्शन करने होते हैं, हमें जो दिखता है वहां स्टार्टर नहीं दिखता, हमें क्या दिखता है, इतना पोर्शन नीचे का दिखता है कि ये 6 कनेक्शन हैं और हमें इसमें वायर लगाने हैं, और ये भी बिल्कुल पास पास होते हैं। तो हम मोटर के कनेक्शन करते हुए ये कंफ्यूज रहते हैं कि डेल्टा बनाना है कि नहीं बनाना है। तो फ्रेंड्स, अक्सर आप जो भी कॉन्ट्रैक्टर बनाइए, जो भी स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाइए, वो बिल्कुल इस तरीके से बनाइए, तो आपको कनेक्शन करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मान इस मोटर में से 6 लीड निकली हैं, तो एक निकली है रेड इधर, एक निकली है वाई और एक निकली है ब्लू, ये 3 निकली हैं, ठीक है। इधर भी एक रेड निकली है, इधर भी एक वाई निकली है, इधर भी एक बी निकली है, ठीक है। आपको अंदर कुछ नहीं दिखता, यही दिखता है। तो आप इसमें सीधा सीधा कीजिए, रेड को यहां लाके जोड़ दीजिए पहले पे, वाई को यहां जोड़ दीजिए, यहां जोड़ दीजिए। अब इसमें भी रेड पहले पे जोड़ दीजिए, वाई पहले पे जोड़ दीजिए, बी पहले पे जोड़ दीजिए, बिल्कुल सिंपल कनेक्शन हो जाएंगे। आपको इसमें प्रॉब्लम होने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मीन जो कोई भी जाएगा, एक अननोन व्यक्ति भी जाएगा और कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग अगर कनेक्शन कर देता है, तो कभी भी डेल्टा के कनेक्शन गलत नहीं होंगे। यहां कौन सा जोड़ दिया, रेड, यहाँ येलो, यहाँ ब्लू, यानी यहाँ लाल वाला, यहाँ पीला वाला, ब्लू वाला। यहाँ भी मैंने कैसा जोड़ दिया, लाल जोड़ दिया और यहाँ पीला जोड़ दिया और यहाँ ब्लू जोड़ दिया। ऊपर से कैसा आया हुआ है, यहाँ ऊपर से बी आया हुआ है, आर आया हुआ है, वाई आया हुआ है। तो ये ऑलरेडी ये वाले कनेक्शन ऐसे बन जाते हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही स्टार डेल्टा सही वाला है, जिसको मैं सही मानता हूँ वो ये स्टार डेल्टा है। तो फ्रेंड, आशा करता हूं कि आपको पावर डायग्राम स्टार डेल्टा का समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।